नमस्कार दोस्तों, आज है 5 जून और हम पढ़ेंगे आज 5 जून के करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें और वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज के करंट अफेयर को। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि ट्विटर अकाउंट के नए बोर्ड अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको बता रहे, ट्विटर के जो अकाउंट है उसके बोर्ड अध्यक्ष बने अभी हाल ही में पैट्रिक पिचेट। अभी हाल ही में ट्विटर अकाउंट के नए बोर्ड अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पैट्रिक पिचेट की। ये पहले गूगल के पूर्व मुख्य अधिकारी रहे हैं। गूगल के पूर्व मुख्य अधिकारी जो है वो पैट्रिक पिचेट रहे हैं। बात करें अपन ट्विटर अकाउंट की, तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना की गई थी 21 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी कैलिफोर्निया में। और इसके जो सीईओ है वह है जेक डोरेंस जो है वो इसके ट्विटर के सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। जो वंदे भारत अभियान में क्या हुआ था कि जो विदेश में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको भारत सरकार वापिस जो है इंडिया लेके आई थी, भारत लेके आई थी विदेशों से। तो ये था वंदे भारत मिशन। इसके तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय कौन सी योजना को लॉन्च किया है। जो भारतीय आए हैं उनके लिए कौन सी योजना अभी प्रारंभ हुई है, तो उनके लिए प्रारंभ हुई है स्वदेश जो योजना है उनके लिए प्रारंभ की गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है एस स्किल्ड डब्लू वर्कर्स, ए अराइवल, डी डाटा, ई एम्प्लॉयमेंट, एस फॉर सपोर्ट। तो स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटा फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है हिंसा का शिकार हुए उनके लिए एक दिवस मनाया गया है दुनिया भर में। तो यह दिवस कब मनाया गया है, तो यह दिवस मनाया गया 4 जून को। अभी हाल ही में मासूम बच्चों के लिए जो शिकार हुए हैं, हिंसा का शिकार हुए हैं, उसके लिए जो यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को हिंसा के प्रति कौन कौन सी कार्रवाई की जाए या कौन कौन से शिकार हुए हैं हिंसा के प्रति, उनके बारे में लोगों को बताना, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं इनके बारे में लोगों को बताना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं इसको मनाता कौन है, तो इसको मनाता है यूएन, यूनाइटेड जो नेशन है वो इसको मनाता है। बात करते हैं अपन यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड जो नेशन है इसकी यदि अपन बात करते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में यदि अपन कुल सदस्य देखें तो 193 जो है वो इसके सदस्य हैं। बात करते हैं इसके महानिदेशक की, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वह इसके महानिदेशक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईएफएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों, ये बनाया है रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख या ओपनर खिलाड़ी जो है वो रोहित शर्मा है। बात करते आईआईएफएल की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके चेयरमैन यदि अपन बात करते बालाजी वासुदेव जो है वो इसके चेयरमैन है। और एमडी जो है वह आर वेंकटरमन जो है वो इसके जो एमडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2 ई बुकलेट को विमोचन किया है। तो आपको ये बताना है कि किसने यह विमोचन किया है। तो दोस्तों, ये विमोचन किया है सूचना व प्रसारण मंत्रालय। अभी हाल ही में 1 ईयर ऑफ मोदी 2 जो है ई बुकलेट का विमोचन किया है।
बात करें अपन सूचना व प्रसारण मंत्री की, तो सूचना व प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उदय कोटक। उदय कोटक अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें CII की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज जो है वह CII की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1895 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, विक्रम ऐश किर्लोस्कर इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह है, मिशन जो फतेह है गीत लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने अभी हाल ही में मिशन फतेह जो है वह गीत लॉन्च किया है। और ये मिशन जो फतेह जो गीत है, यह कोरोना जो महामारी है उससे होने वाले जो नुकसान है, किस प्रकार से ये बीमारी फैल रही है, इससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, उनके बारे में यह जो गीत है, यानी कोरोना की जो जानकारी देने के लिए यह गीत लिखा गया है, और ये लिखा गया पंजाब सरकार ने। बात करें पंजाब की, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, यहाँ के राज्यपाल या गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनोर, और यहाँ के मुख्य यदि अपन न्यायाधीश के बारे में बात करें तो रवि शंकर झा जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का पुरस्कारों की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है WHO ने। WHO ने अभी हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर पुरस्कारों की घोषणा की है। और यदि अपन बात करें WHO की, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय जो है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बात करें इसके महानिदेशक की, तो इसके महानिदेशक टेड्रोस एडनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं कृष्णेंद्र मजूमदार। बाफ्टा के नए जो अध्यक्ष बने हैं वह बने हैं कृष्णेंद्र मजूमदार जो है वो अभी हाल ही में बने हैं। बाफ्टा क्या है? बाफ्टा है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, एक फिल्म इंडस्ट्री से एक संस्थान है। तो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, इसकी स्थापना 1947 को 1947 को हुई थी, और इसका जो लंदन है, इसका जो मुख्यालय है वह लंदन में है। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों को KCC अभियान, KCC मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड अभियान से जोड़ा है? तो ये जोड़ा है 1.5 करोड़ जो किसान जो है उनको अभी डेयरी किसानों को अभी केसीसी के केसीसी जो अभियान है उसके साथ अभी हाल ही में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर, यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।